ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, आपके घर वाले सब खैरियत होंगे, आपकी वर्किंग अच्छी जा रही होगी। काइंडली उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर रिकॉर्डिंग वॉच कर रहे हो या इसी सेशन को लाइव लेकर आप दोबारा रिकॉर्डिंग ले रहे हो, तो आप लोग काइंडली कमेंट में बताया करो और लाइक भी किया करो और कमेंट में बताया करो सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कौन कौन से पॉइंट्स आपको जो है ना वो सीखने के लिए मिले, खास करके जो मेरी रिकॉर्डिंग को वॉच करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, सही है? तो बाकी जिस तरह की आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो वे ऑफ इन्विटेशन है, कि जो बेस्ट वे है इन्विटेशन का कैसे की जाती है, इन्विटेशन कैसे किया जाता है, इन्विटेशन क्या होता है। सबसे पहले बताता हूँ, इन्विटेशन होता है किसी को दावत देना, किसी को किसी तरफ बुलाना, ठीक है, बुलावा देना, या कुछ भी आप लोग इसको जो है ना वो कह सकते हो, ठीक है। ये सेशन में हर बार मैं कहता हूँ कि इनविटेशन का सिर्फ मतलब होता है कि उसकी कुछ मेन हाइलाइट्स करना, ठीक है, उसके कुछ ओवरव्यू बताना, लेकिन सारा कुछ नहीं बता देना, ठीक है। जिस तरह आप शादी के लिए किसी को इनवाइट करते हो, तो जब आप मैरिज कार्ड उसको भेजते हो, ठीक है, शादी का कार्ड भेजते हो, तो वहां पर सिर्फ बेसिक चीजें लिखी होती हैं जो होनी होती हैं, जो अंदर वाली चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पर खाना क्या बन रहा है, किस जगह पर है, ठीक है, या और कुछ चीजें, दूल्हे ने क्या पहना हुआ है, या जो भी मामला आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं बताई होती, बेसिक जो चीजें होती हैं वो आप लोगों को पता है कि वो बताई जाती हैं, ठीक है, जो कि आपके आने के लिए, आपके समझने के लिए, उस लोकेशन उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए चीजें जो है ना वो मेन लिखी जाती हैं, ठीक है। सो इसी तरह इन्विटेशन होता है, अगर आप लोग क्या करते हो, कुछ मेंबर्स ये भी गलती करते हैं जो खास करके न्यू है, जब उनके पास कोई मेंबर आता है तो वो जो है ना खुद ही जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, खुद ही बताते हैं ये फोर्सेज है, ये हमने टीम बनानी होती है, ठीक है, इसमें आपने 4,000 पहले देना होता है, फिर आप जो है ना वो डॉलर आपको मिलते हैं और फिर आप इसमें ज्वाइन करते हो, ठीक है, इसमें हमने अपनी चेन बनानी होती है, इसमें हमने टीम बनानी होती है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो बताना शुरू कर देते हैं। उनके लिए खास करके है आप लोग ऐसा कुछ भी ना किया करो, इस तरह अगर आप लोग इस तरह करते हो तो फिर इन्विटेशन का तो मतलब ही इन्विटेशन ना हुआ, वो तो फिर सारा कुछ ही आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ चंद चीजों का ख्याल रखना है, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, ठीक है, एक मैं जरा बताइएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है? यस सर, प्रॉपर है। सेशन को लास्ट तक लेना, छोटा सा सेशन होगा इंशाल्लाह, सेशन अब हमारे छोटे से हुआ करेंगे, ठीक है, बेसिक चीजें मेन मेन आप लोगों को बता के देन उसके बाद आप लोगों को छुट्टी। अब चले जी, अच्छा अब इसी बंदे को ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे करते हो, मतलब आप लोग कैसे इनविटेशन करते हो और मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हो, आप लोग अपना भी जो है ना वो मामला कर सकते हो। अब आप लोग देख सकते हो कि ये बंदा मेरे पास जो है ना वो इसका मैसेज तकरीबन 9:02 पे आया, लेकिन मेरा ऑटो मैसेज लगा हुआ था, इसको सेंड हो गया, ठीक है, और इसको मैंने रिप्लाई दिया, मैं फ्री हुआ 9:20 पे, ठीक है। तो अब ये कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग फॉलो करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑटो मैसेज लगवाया हुआ है तो वो आप लोग लगा सकते हो, वो बेहतर है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको जो है ना अभी बताता हूँ, और मैंने क्यों ये लगाया हुआ है इसकी वजह भी आप लोगों को जो है ना वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि चल मैं चैट को ऑफ करता हूँ एक बार। तो सबसे पहली बात ये कि आपका जो ऑटो मैसेज लगा हुआ है ना, अगर नहीं लगा हुआ तो अपने अपलाइन से लगवाओ, ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप यूज करो, अपने अपलाइन से अपना ऑटो मैसेज लगवाओ। ऑटो मैसेज अगर नहीं है तो आपको पता है ग्रुप में मेंबर सेंड कर देते हैं, आप ले लो किसी से भी, आपको मिल जाएगा ऑटो मैसेज, सही है। तो आप लोग सेट करवाओ, सेट करवाने के बाद सबसे पहले क्या काम आप लोगों ने करना है, जब आपके पास कोई मेंबर आता है ना, देखो जारी बात, उसने फेसबुक से आना है, इंस्टाग्राम से आना है, स्नैपचैट से, कहीं से भी, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से वो जो है ना वो आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आ सकते हैं। आने जब आता है ना तो आपको कहता है अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, या वर्क डिटेल, अबाउट वर्क, जॉब क्या है, क्या काम है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, फेक तो नहीं है, मतलब इस तरह के मैसेज करके आपको जो है ना वो मतलब अपना जो है ना स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने पहले वो गलतियां सुनो जो आप लोगों ने नहीं करनी। पहली गलती क्या है कि आपने उस बंदे को किसी चीज का जिक्र नहीं करना, फोर्सेज का तो नाम भी नहीं आना चाहिए। अगर आपकी डीपी फोर्सेज वाली है तो खाली अगर यह फोर्सेज लिखा हुआ है उसको खत्म कर दो, ठीक है, आप उसको खत्म कर दो, सिर्फ आपका नेम, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कंसल्टेंट और आपका नंबर, बस ये चीज होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होना चाहिए आपकी डीपी पे, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने मेरी देखी होगी।
तो ये कि आपने फोर्सेस का किसी उसका कुछ भी नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट का उसको कुछ भी नहीं बताना, रियल है फेक है कुछ भी है ना, ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुंह बंद कर लेना है, समझो आपको पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। जब उसके ये मैसेज आए हैं ना तो आपका हो गया ऑटो मैसेज सेंड उसको, ठीक है, आपका ऑटो मैसेज उसको सेंड हो गया है। अब ऑटो मैसेज में आपको पता है कि हमने जो है ना वो नाम शाम जो है ना वो पूछने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई मेंबर है, सो जस्ट अ मिनट वेट करिएगा, मई के मंथ में मैं जो है ना वो करता रहा दी, ओके नहीं इसका भी नहीं, अप्रैल में देखते जस्ट एक मिनट वेट करिएगा, मैं मैसेज ताकि निकाल लूं ताकि आपको बेहतर देखे तो जो है ना वो समझ आ जाए। अच्छा अब क्या है कि आपको पता है कि आपको एक जो है ना वो शॉर्ट लिंक जनरेट करवाया जाता है व्हाट्सएप का। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जब मार्केट प्लेस पे वो मेंबर को देते हो ना कि इस लिंक पर क्लिक करो तो आप सीधा व्हाट्सएप पे आ जाओगे, वो काफी सारी चीजें लिखी हुई है, तो लिंक देना बंद कर दें आप। उसकी वजह आप क्या देखिए, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि जो चीज आपके बेहतर होती है ना वो मैं चीज आप लोगों को जो है ना वो बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या कहना कि आपका जो वो लिंक था ना वो शेयर करना बंद कर दे। इसकी वजह ये कि कुछ मेंबर्स होते हैं वो जब लिंक पर क्लिक करते हैं ना तो लिंक वो जो लिंक होता है वो कभी कभी एक्सपायर भी हो जाता है, तो कभी कभी वो लिंक ना ओपन नहीं होता, तो मेंबर ऐसे होते हैं वो अजीब किस्म के समझते हैं, आपको समझते हैं कि ये बंदा वेला है, ठीक है, ये बंदा दो नंबर है, इसका लिंक तो ओपन हो नहीं रहा है, ये बिजनेस दे रहा है, ये काम दे रहा है, ठीक है। तो वो होता क्या है कि वो आपसे बाद में रब्ता ही नहीं करते, वो आपको ये भी नहीं कहते कि मैम या सर ये कोई कोई बंदा कहता है, चंद एक होगा जो कहता है कि मैम ये लिंक तो ओपन नहीं हो रहा, मुझे और कोई तरीका बताएं, या व्हाट्सएप का नंबर ये मेरा है या आप अपना दे दो, तो इस तरह कर लेते हैं फिर शेयरिंग, ठीक है। तो ये होता क्या कि वो लोग ज्यादातर लोग फिर आपसे रब्ता नहीं करते, तो इसकी वजह कि आप लोग लिंक शेयर करना बंद कर दो, उसकी जगह पर आप दे दिया करो कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आगे नंबर दे दो बस, ठीक है, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप या फॉर मोर डिटेल्स या फॉर मोर इन्फो कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ये आप लोग लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कि ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आगे आप अपना नंबर दे दो, इसमें से कोई भी मैसेज आप राइट करके रख लो या राइट कर लो, उसको आपने सेंड कर देना करना है, ठीक है। तो ये वजह आती, तो ये चीज आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो ये मैसेज आपको नहीं आया करेगा, फिर वो हेलो हाई करेगा तो आपका ये ऑटो मैसेज लग जाएगा। अब इसमें हमें फायदा भी है और थोड़ा सा नुकसान भी है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले फायदा क्या है कि इसमें ये होता है कि मेंबर का नाम भी पता लग जाता है, सीटी भी पता लग जाती है, क्वालिफिकेशन भी और एक्सपीरियंस भी। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है ना वो आती है एक नाम और एक क्वालिफिकेशन। नाम का तो ठीक है ना, नंबर सेव करने के लिए आसानी होती है, वो तो एक अलग बात है। क्वालिफिकेशन से फायदा ये होता है कि उस हर देखो कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हम इन्विटेशन वाली वॉइस सेंड करते हैं, मैं आपको अभी वो सिखाता भी और बताता भी और कहाँ करनी है वो भी बताता हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब इनविटेशन वाली वॉइस देते हैं ना तो कुछ ज्यादातर मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ मेंबर होते हैं वो आपको रिप्लाई नहीं देते, मतलब ऐसे कि वॉइस सुन ली और सो गए। असल में होता क्या है कि हमें उसकी ना क्वालिफिकेशन नहीं पूछी होती। असल में ना कुछ लोग वो मैं कल सेशन ले रहा था तो कह रहे कि कुछ लोग भट्टे वाले होते हैं, ठीक है, कुछ लोग देहात से होते हैं, गाँव से होते हैं, उनको नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको सेशन का भी नहीं पता, उनको वेबिनार का नहीं पता, ट्रेनिंग सेशन उनको क्या पता ये क्या होता है, ठीक है, तो उनको ये चीजें नहीं समझ आती, ठीक है। तो अगर आप लोग उसकी क्वालिफिकेशन पता कर लेते हो, क्वालिफिकेशन अगर वो नल कहता है, मिडल कहता है, प्राइमरी कहता है या मैट्रिक कहता है, ये कुछ भी एफए वगैरह जो भी है उसने ग्रेजुएशन कहना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि बंदा कितना एजुकेटेड और ये मेरे अल्फाज को क्या पिक कर भी रहा है कि इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है। अगर कोशिश करो, अगर वो बंदे की एजुकेशन नहीं है, फायदा ये है कि अगर आपको उसकी एजुकेशन पता लग गई तो आपको पता लग जाएगा कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है, तो आप उसको उसी हिसाब से जो है ना वो डील कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो उसकी एजुकेशन के हिसाब से अगर वो ठीक है, मतलब मैट्रिक है या वो चीजों को अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन अगर वो कहेगा कि मैं भाई अनपढ़ हूँ, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, मैं वॉइस पर ही बात कर सकता हूँ, तो फिर आप उसको उसके हिसाब से डील करो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है, ताकि इसी वजह से तो सारे लोग इस मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते, फिर हमें जो है ना वो एक वॉइस करनी पड़ती है, जिस तरह की आपने देखा कि मैंने इसको वॉइस की है, फिर इसने उल्टा वॉइस में ही मुझे रिप्लाई किया है, ठीक है। तो ये चीज है, तो अभी क्या है कि अब आपकी मर्जी खुद की है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, लेकिन मैंने किया हुआ है, लेकिन फिर इसमें यही इशू आता है कि आपकी क्वालिफिकेशन आप उसकी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं,
मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक बार इस चीज को भी हटा के ना आप न्यू चीज इंक्लूड करो। क्या करो आप, ये ऑटो मैसेज बना लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या रिकॉर्डिंग देख लेना। सरिया मैम आप अपना नेम बताएं, फिर मैं आपको वर्क की डिटेल देता हूँ। सिंपल सादा सा, क्योंकि देखो असल में ना वजह ये है कि शोर करने की वजह ये कि लोगों के पास ना टाइम बहुत कम है। दुनिया में सबसे जो कीमती चीज है वो है टाइम, ठीक है। अब क्या कि लोगों के पास टाइम नहीं है, आप हम इतनी बड़ी वॉइस सेंड कर देते हैं, इतना बड़ा ऑटो मैसेज है, कुछ लोग वैसे ही नहीं पढ़ते, कहते यार पता नहीं क्या सेंड करके रख दिया है, ये मेरे ख्याल में डिटेल दे दी, उसको लगता है कि काम की डिटेल आ गई है तो वो उसको दूर से इग्नोर करते हैं। तो ये देखो इतना अच्छा सा मैसेज है छोटा सा, तो दिल भी करता है पढ़ने को और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो आप ये इसको ऑटो मैसेज बना लो, ठीक है, ऐसा चेक करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ये आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, आपको ये आपके सामने होगा। अच्छा तो उसने हेलो कहा, सारी बात है कि उसको नंबर दिया गया, लिंक तो गया नहीं है, उसने हेलो कहा तो मेरा ऑटो मैसेज लगा कि सरिया मैम आप अपना नेम बताएं, फिर मैं आपको डिटेल देता हूँ। उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मैं टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो ये सारे मैसेज बने बनाए हैं, मैं राइट नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं मैसेज सेंड करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है ना। तो उसने अस्सलाम वालेकुम कहा और उसने कहा दिया शान, बस इनफ, ठीक है, कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं किया, ठीक है। अब हुआ क्या है कि छोटी सी डील हुई है और जल्दी जल्दी काम खत्म हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वॉइस आप मैसेज होना चाहिए वाला कि ओके सर या मैम मेरा नाम इरफान है, आप मेरा नंबर सेव कर लें, मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ। अच्छा ये स्क्रीनशॉट लेने का मकसद क्या है? अच्छा मुझे ना ज्यादा नहीं, कुछ चंद एक दो बंदा होगा वो कहता है यार ये क्या बात हुई स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये कौन सा आप बिजनेस कर रहे हो, ये कौन सा कानून नया आ गया, स्क्रीनशॉट दो भाई, मैंने नंबर सेव कर लिया तो बस ठीक है, सिंपल मैंने आपको कह दिया नंबर सेव हो गया, तो इसमें स्क्रीनशॉट देने वाली क्या बात हुई, ये तो आप कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है, लगता है स्कैमिंग वो उल्ट समझ आते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन ये कोई चंद एक करेगा, लेकिन इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ना खुद एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और आपको बताता हूँ जो आपके लिए बेहतरीन चीज होती है, ठीक है। पहली बात, शॉर्ट मैसेज जल्दी आंसर मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने का नंबर तो सेव करवाना ही ना भाई। अब देखो ना नंबर सेव करवाया, अब मैं देखता हूँ इसने मेरे नंबर, मैंने मैसेज भी नहीं, मैं नहीं देखता स्क्रीनशॉट, मुझे पता लग गया इरफान भाई जॉब, अच्छा जी पता लग गया, इससे शक क्या पड़ता है, इस बंदे ने नंबर सेव करके रख दिया। कुछ लोग ना आप कहते हो ना, मिसाल के तौर पर हम सादा कहते हो कि सर मेरा नाम इरफान है, आप नंबर सेव करके बताओ फिर मैं आपको, वो कहता ओके जी, हम कहते हैं कि समझे वो नंबर सेव हो गया है। तो होता क्या कि उस बंदे ने नंबर सेव नहीं किया होता, तो जब हम उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करते तो उस बंदे को उसको मैसेज ही नहीं पहुंचते, तो हम समझते कि भाई जी बड़ा डील किया जी, बड़ा किया है, वो ना स्टेटस देखता है ना वो ब्रॉडकास्ट में हकी है, हम समझते कि बड़ा डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका लाने का, स्क्रीनशॉट लेने का मेरा एक दिन माइंड चला, आपको पता मेरा अपलाइन तो है नहीं, तो मैं अपने माइंड सेट से ये चीजें सोचता रहता हूँ। तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा ये स्क्रीनशॉट लाजमी होना चाहिए, तो इससे होगा क्या कि मैं स्क्रीनशॉट देखता ही नहीं हूँ। अभी देखो मैंने आपके सामने सिर्फ दिखाने के लिए इसको ओपन किया है, तो बंदे ने नंबर सेव कर लिया, अब मैं यहाँ से आपको पता सब कर लूंगा, सिंपल उठा के फेंको इसको ब्रॉडकास्ट में और उसके बाद स्टेटस दिखाते रहो, ये बंदा अंधा धुंधा आपके साथ खुद ज्वाइन करेगा, खुद बताएगा इरफान भाई मुझे एक बंदा कहता बड़ा मतलब पकड़ के उसने मुझे रिप्लाई किया, कहता यार मैंने नहीं करना। अच्छा मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके सर विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। उसने कहा थैंक यू सो मच, मैंने कहा ठीक है और नम किया, मैंने उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, मैंने कहा शुक्र मिला, चलो ब्लॉग तो कर देगा जब तक कुछ देख ले, कहता इरफान भाई खुद ही कमाई जा रहा हूँ मुझे भी बताओ क्या करना है। तो ये वजह होती है, ठीक है। तो वो सिंपल यही था आपको बताना कि आपने क्या कहना, ये आप डीलिंग देख रहे हो मेरे, जाके उधर देख लेना रिकॉर्डिंग में। अच्छा जी नंबर सेव हो गया, अब आती है इनविटेशन वाली वॉइस। अब ये वॉइस आप इसको दावत देने जा रहे हो अपने बिजनेस के बारे में। हाँ सॉरी मैं तुम्हें कुछ गलतियां बता रहा था, गलतियां ये है कि अगर बंदा तुमसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट बताओ, प्लेटफॉर्म कंपनी का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ठीक है, इसमें करना हमें क्या है ये बताओ, तो फिर तुम्हें हम जो है ना वो नाम सेव नंबर सेव करेंगे या फिर हम सेशन लेंगे, ऐसा कुछ कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, लालच में आ जाते हैं कि चले ठीक है सर मैं, आप कहते हैं क्या बात है चलो बता देता हूँ, वो बंदा कहता है कि सॉरी इस्लाम है। अब देखो ना आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा जिसने भागना हुआ वो तो सेशन का मतलब ऊपर टाइटल नेम पढ़ के ही भाग जाएगा, तो ये बात वाकई रियल है। लेकिन अगर आप नंबर सेव कर लेते हो ना, तो नंबर सेव करने के बाद क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन करने है, नंबर नहीं सेव करना बड़ा जिद्दी होगा, ठीक है। तो ये आपने नंबर जब सेव करवा ली, सारी बात अगर वो आपको ना भी बोलते ना तो आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, बाद में ज्वाइन करना ना करना उसका दिमाग फिर भी सकता है, आपकी अर्निंग देख के, हमारी अचीवमेंट देख के, हमारी स्क्रीनशॉट देख के तो फिर सकता है, तो इसी की वजह से वो जो है ना दोबारा डिटेल ले लेता हो, ऐसा होता भी है, ठीक है। सो ये चीज है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये गलती नहीं करनी, आपने किसी को भी नहीं बताना, सेम उसका नाम पूछो जिस तरह मैंने बताया, ऑटो मैसेज लगा लो, उसके बाद आप उसको नंबर सेव करो, आगे स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद ये वॉइस सेंड करो, सिंपल सादा सादा टू द पॉइंट आप बात करो और उसके बाद अपना इन्विटेशन करो, ठीक है। अच्छा अब ये वॉइस में बताता हूँ कि वॉइस क्या है।
वॉइस आपको चाहिए हो तो मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, सेशन के बाद मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोग अपने पर्सनल में इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको आप लोग बार बार सुने, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो पहली वॉइस जो है ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं स्लो बताता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ी सी तेजी में बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए आप जाके रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान, आप इस तरह भी कह रहे हो। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो मैं कहूंगा खासकर कि आप हमेशा फ्रेश वॉइस करो। हाँ, अगर आप बिजी हो कोई भी मामला तो आप एक ना रिकॉर्डिंग अच्छी सी एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव। मैं देखता हूँ मेंबर्स क्या कहते हैं, हेडफ्री, हाँ ये भी गलती सुन लो, हेडफ्री लगाई होती है और शर्नाहट पीछे हो रही होती है, वो सांस की आवाज आ रही थी, इतना अजीब लगता है। वो कहते हैं यार ये प्रोफेशनल नहीं, कुछ और ही कर रहा है, ठीक है, ये कोई पेंडू सही है, ठीक है, तो वो एग्री नहीं करता। तो ये चीज आपने ख्याल करनी है, जब भी वॉइस करनी है ये हेडफोन लगा के कभी भी वॉइस किसी को ना करना, मेरी बात हमेशा याद रखो, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपके पीछे बच्चों की शोर नहीं आना चाहिए, किसी बर्तन फेंकने की, किचन की, या किसी चीज की, या साउंड सॉन्ग की, किसी किस्म की भी गाय भैंसों की आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर वॉइस। अब देखो आप मुझे सुन रहे हो ना, मुझे बताओ मेरे पीछे कोई वॉइस आ रही है, ठीक है। तो ये चीज है कि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उस बंदे को अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अब मैं वॉइस बताता हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, अभी अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो इस तरीके से बोलना, अगर नहीं तो आप इस तरह बोल सकते हो। तो अब मिसाल के तौर पर मैं कोई लड़का है, ये आया है शान, तो इसको मैं वॉइस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, मैं कुछ लोग यहाँ पर देता हूँ वो बिजनेस कंसल्टेंट बोल देते हैं, ठीक है, तो ना वो समझते हैं कि यार इसको लफ्ज तो बोलना नहीं आ रहा, ये बिजनेस कंसल्टेंट बन गया, ये बिजनेस प्रोवाइड करने वाला बन गया, तो इसमें सादा अल्फाज में तुम क्या कर सकते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने बहुत सारी गलती देखी हुई है। आप ये कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान है और मैं बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ, बस सिंपल, ठीक है। अगर बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है, कंसल्टेंट, ठीक है, ये लफ्ज है तो आप लोग कंसल्टर या कुछ और बोल देते तो ये चीज नहीं सही है, ठीक है, इससे भी बैड इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपकी वॉइस आप बिजनेस कर रहे हो। तो सिंपल आप ये भी कह लो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान है और मैं बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ, तो सर या ऐसे कह सकते हो सर मेरा नाम इरफान है और हमारा काम सर है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, उनको ये बताना, उनको ये सिखाना। मेरे ख्याल में स्क्रीन स्टक होगी, एक मिनट रहिएगा, एक मिनट रहिए, जस्ट अ मिनट। अच्छा चले ऐसे ही बोलते हैं, देन उसके मामा स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, मैं बता रहा था आपको वॉइस का, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान है, सर मेरा काम है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, उनको ये सिखाना, उनको ये बताना कि वो घर में बैठ के अपने मोबाइल फोन का यूज करके किस तरह मंथली अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो सर ये कि आपको पता है कि दुनिया में कोई भी काम है, दुनिया में कोई भी बिजनेस है, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ता है और उसको सीखना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सर ये सेम इसको भी सीखने के लिए आपको जो है ना हमारा एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा, ये नहीं कहना कि 3 बजे होता है, हमारा एक ट्रेनिंग सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा जो कि आधा घंटे या 35 मिनट का होता है। अब आधे घंटे की आपको पता रिकॉर्डिंग होती है जो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो सर ये अब वो जो कि ट्रेनिंग सेशन हमारा आधे घंटे का होता है, तो सर ये आपको जो है ना, मैं जानता हूँ कि आपकी काफी सारे क्वेश्चन होंगे कि काम क्या होगा, करना क्या होगा, अर्निंग कब आएगी, कैसी आएगी, कैसे आएगी और कितनी आएगी, ठीक है। तो सर ये आपके तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, ये आपके इंशाल्लाह उस ट्रेनिंग सेशन में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सर अगर आप अपना कीमती टाइम देना चाहते हैं, मतलब आप अपना इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपना आधा घंटा दे सकती हैं, तो मुझे आप जो है ना एग्री का मैसेज करें, देन मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच, बस इतना आपने कह देनी है। उम्मीद करता हूँ मैंने बड़े सादा अल्फाज में और सिंपल बोला है, मैं जरा इसको स्पीड में बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान है, सर बेसिकली हमारा काम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, उनको ये सिखाना बताना कि वो घर में बैठ के अपने मोबाइल फोन का यूज करके किस तरह अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सर जिस तरह की आपको पता है कि दुनिया में कोई भी बिजनेस है, दुनिया में कोई भी काम है, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए टाइम तो आपको देना पड़ता है, सेम इसको भी सीखने के लिए, समझने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। तो सर ये इसको जिस तरह की मैं जानता हूँ आपके काफी क्वेश्चन होंगे कि काम क्या होगा, अर्निंग कैसे आएगी, कब आएगी, किस तरह आएगी, ठीक है। तो सर ये आपके तमाम क्वेश्चंस आपके जो है ना हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें आपका ये आधे घंटे का होता है, उसमें ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सर ये अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अपने आधे घंटे, अगर आप अपना आधा घंटा या अपना कीमती टाइम दे सकते हैं, तो मुझे आप एग्री का मैसेज करें, देन मैं आपको जो है ना फर्दर गाइड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतनी आप लोगों ने वॉइस कर देनी है, ठीक है। अभी मैं इसका लाइव आपको प्रूव भी करता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या है कि उस बंदे ने वॉइस सुन ली है, अब ये कह रहा मुझे कि कहीं आप मीटिंग की बात तो नहीं कर रहे। अच्छा, ये बंदा पता नहीं कहीं से आया है, ठीक है, रुल के आया है, किसी ने इसको मीटिंग अटेंड करवाई है। असल में ना आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो कंपनियां भी काफी सारी, तो वो सबसे पहले ट्रेनिंग जारी बात समझने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग सेशन के, वेबिनार्स के, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाए हुए हैं सेमिनार्स के,
तो वो लोगों को अटेंड करवाते, तो लोगों को लगता है कि सारे काम एक जैसे हैं। तो इसको भी कहीं लगा कि ये कहीं मीटिंग मुटिंग का चक्कर तो नहीं है। तो मैंने इसे कहा कि मतलब, उसने कहा कुछ नहीं आप बताइए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने इसको बताया, देन उसके बाद मैंने ये वॉइस की। अब आपकी आती है जब वो कहते हैं ना एग्री या कुछ भी कह देता है, इसने तो ऐसे ही कोई कोड दिया, नहीं तो लोग कहते हैं एग्री, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अगर मेरी ये वॉइस आप लोग फॉलो कर लेते हो पहली वाली, तो 100% ये कि आपका मेंबर एग्री भी होगा और आगे रिकॉर्डिंग मिलेगा, देख लेना, सोएगा नहीं पक्का इंशाल्लाह। अगर आपकी वॉइस जैसे मैंने बताया कि एक्टिव हो और कमाल की वॉइस होनी चाहिए और पता लगना चाहिए, कुछ लोग इतनी स्पीड से बोल देते हैं ऊपर से गुजर जाता है, ठीक है, इतनी स्पीड से आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है। ओके, तो इस वॉइस में मैं आपको बताता हूँ कि इस वॉइस में मैंने क्या कहा है। इस वॉइस में आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। तो सर जिस तरह के मैं नाम ले रहा था एक ट्रेनिंग सेशन का जो कि आधे घंटे का, ठीक है, तो सर उसी ट्रेनिंग सेशन की आपको मैं यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस तरह की सर आपको पता है कि यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसको हम स्किप भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और उसको पॉज भी कर सकते हैं। तो सर अगर आप इस तरह देखेंगे सेशन को, इस तरह वीडियो को देखेंगे, तो आपको किसी चीज की भी समझ नहीं आने वाली। इससे आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और आप जो है ना वो मतलब कि आपको समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो सर ये आपकी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है कि अगर आप उसको मुकम्मल वॉच करोगे देन आपको ही मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये कि सर आप मुझे बता दें कि अगर आप उसको मुकम्मल वॉच करेंगे तो तभी आपको जो है ना सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो सर आप मुझे बता दें ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूं, आप मुझे यस का रिप्लाई करें, देन मैं आपको और वीडियो जो है ना प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, थैंक यू। तो आप वो जो है ना अगर यस का रिप्लाई देता या थोड़ा रुक जाता, आपको रिप्लाई नहीं देता, आपने ना वेट कर लेना, 10-15-20 मिनट हो गए हैं, उसे बंदे ने आपकी वॉइस सुन ली है, तो आप उसको ना क्वेश्चन मार्क सेंड कर दो, मतलब क्वेश्चन मार्क सेंड कर दो, या उसे कहो जी सर आपने रिप्लाई नहीं किया। अगर वो देख के भी रिप्लाई नहीं दे रहा तो उसको छोड़ दो। अब हो गया क्या कि उस बंदे ने तुम्हारा नंबर सेव किया हुआ है, सिंपल करो क्या, नंबर सेव करो और उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, फेंक दो। अब ये ब्रॉडकास्ट वाला सीन मैं तुम्हें कल बताऊंगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ये तुम आज वाला कल वाला सेशन ले लेते हो तो 100% गारंटी है तुम्हारी टीम मतलब इस मंथ इंशाल्लाह जरूर बन जाएगी, अगर नहीं बननी शुरू हुई, ठीक है। तो ये वॉइस थी, तो ये वॉइस मैं जरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि मेरी टीम को ज्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। सर जिस तरह मैं ट्रेनिंग सेशन का आपको बता रहा था जो कि आधे घंटे का होने वाला है, तो सर ये उसका मैं आपको यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूट्यूब का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि रिकॉर्डिंग है हमारा सेशन, ठीक है। तो सर जिस तरह की आपको पता है कि यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसको हम स्किप भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको किसी चीज की भी समझ नहीं आने वाली। तो सर मेरी एक शर्त थी कि अगर आप उसको मुकम्मल वॉच करेंगे देन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सर अगर आप उसको मुकम्मल वॉच करना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझे यस का रिप्लाई करें ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ना वो कर लेनी, मैं स्क्रीन फिर स्टक हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो है ना वो कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद अब मैं आपको जो है ना वो आगे, आप लोगों ये आपके हिसाब से मैंने बोला है, ठीक है। अब मैं जो बोलता हूँ वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं और तरीके से बात करता हूँ, ठीक है, मैं और तरीके से जो है ना वो डील करता हूँ। ये आपके लिए वॉइस थी पहली, ठीक है। कुछ मेंबर कहते हैं सर मुझे वॉइस दे दो, आप यहाँ से सुन के बनाओ ना। मैंने यहाँ पर दो तरीके बारे मैं डबल क्यों बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। अब मैं कैसे डील करता हूँ, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूँ सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। तो सर ये जिस तरह की आपको मैं ट्रेनिंग सेशन का बता रहा था, ठीक है, तो सर ये अगर आप इसको मुकम्मल बात कर ले जिस तरह के आधे घंटे का मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये सर ये कि जिस तरह मैं बता रहा था कि आपको यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करता हूँ, रिकॉर्डिंग सेशन है, ठीक है। तो सर ये कि अगर आप इसको मुकम्मल वॉच कर लेते हो तो 100% गारंटी देता हूँ सर कि आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। कैसे, कि जैसे सर मेरी लाइफ चेंज हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर 10 माह के अंदर तकरीबन 7.25 लाख की अर्निंग की है, ठीक है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यही इसी मंथ के अंदर मैंने अपनी न्यू CD70 बाइक भी ली है, उसके जो पोस्टर्स है और बैनर्स है मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप उसको देख भी सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने लाइव होगा। तो सर ये जिस तरह मैंने अपनी लाइफ चेंज की आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो सर ये आपकी मेरी शर्त ये है कि आपको वो सेशन मुकम्मल वॉच करना पड़ेगा। अगर आप उसको इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है लेने के लिए, समझना चाहते हैं कि जैसे मैंने लाइफ चेंज की आप भी करना चाहते हो, आप एक अच्छे बेरोजगार की तलाश में हो, अच्छे वर्क की तलाश में हो, आप मुझे यस का रिप्लाई करो, मैं आपको वीडियो देता हूँ। अच्छा, अब इस बंदे ने कहा कि यस सेंड मी वीडियो। अच्छा, वीडियो पहुंच चुकी है, अभी ये बंदा देखेगा, अभी इसने देखी नहीं, शायद बिजी हो गया होगा। तो अभी आपको पता है कि 10:02 पे तो मैंने दी है इसको, ठीक है। तो ये देख लेगा और देखिए मैं इसको नंबर सेव करके इसको मैं ब्रॉडकास्ट में फेंक दूंगा और ये बाद में लगा रहेगा, ठीक है। सो ये था इनविटेशन का तरीका, सिर्फ सिंपल सा, सादा सा, इतना ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, कोई कहानी नहीं इसको सुनानी, ठीक है। सो ये चीज थी इतनी, बाकी सुफियान आप इसको स्टॉप कर दें। तो बाकी जल्दी से